इस राष्ट्र का ये गौरव है कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने 75 साल की आजादी में पहली बार एक गरीब आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। पद का उम्मीदवार बनते ही द्रौपदी मुर्मू कांग्रेस पार्टी की घृणा का केंद्र बनी। नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। अपने बयानों के कारण सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू से जब से कानून मंत्रालय छिना है, तब से इस पूरे मामले पर बवाल जो है वो तेज होता हुआ नजर आ रहा है। किरण रिजिजू के बाद अब स्मृति ईरानी पर ये शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि स्मृति ईरानी से भी उनका बाल विकास मंत्रालय किसी भी समय छिन सकता है। वजह जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, दरअसल हम आपको बता दें कि किरण रिजिजू से उनका मंत्रालय छिनने की वजह न्यायपालिका से टकराव की वजह बताई जा रही है। यानी कि दरअसल न्यायपालिका से जिस तरीके से किरण रिजिजू का टकराव चल रहा था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लेकर के जो टिप्पणी की थी उसको लेकर के उन पर शिकंजा कसा गया और कहा जा रहा है कि कानून मंत्रालय छिनने की वजह भी वही था। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जब किरण रिजिजू से उनका मंत्रालय छीन लिया, अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या स्मृति ईरानी के साथ भी यही हाल होगा, क्योंकि स्मृति ईरानी पर कई सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो स्मृति ईरानी पर मानहानि का मुकदमा करने की बात कर रहे हैं। दरअसल स्मृति ईरानी लगातार जो है वो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर हमला बोल रही है और अमेठी को लेकर के राहुल गांधी पर स्मृति ईरानी ने बड़ा आरोप लगाया था। उन्होंने साफ तौर पर एक जो है टिप्पणी की थी राहुल गांधी पर, उसको लेकर के अब कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो स्मृति ईरानी पर शिकंजा कसते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर अब सवाल उठ रहा है कि स्मृति ईरानी पर मानहानि का मुकदमा दर्ज हो जाता है तो क्या ऐसे में उनकी भी सदस्यता रद्द होने की बात यहाँ पर सामने आ जाएगी, क्योंकि अगर कोर्ट तक ये मामला जाता है तो उनकी मुश्किलें साफ तौर पर यहां पर बढ़ती हुई नजर आएंगी। जिस तरीके से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किरण रिजिजू से उनका मंत्रालय छीना, तो क्या अब स्मृति ईरानी से भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनसे ये मंत्रालय छीन लेंगी, यानी कि बाल विकास मंत्रालय जो स्मृति ईरानी फिलहाल संभाल रही है, क्या वो उनसे वो मंत्रालय छीन लिया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। इस पूरे मामले पर अब राजनीति जो है वो तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी पर कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं हमला बोलने का। लेकिन आपको बता दें, मंत्रालय बदलने के बाद किरण रिजिजू ने भी प्रधानमंत्री मोदी और चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का शुक्रिया अदा किया था। हालांकि ये बात किसी से छिपी नहीं है कि किरण रिजिजू किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी करते हैं, उसके बाद वो मुश्किलों में फंसते हुए नजर आते हैं। ऐसे में क्या स्मृति ईरानी से भी उनकी संसद सदस्यता छीन ली जाएगी और क्या स्मृति ईरानी भी अपना मंत्रालय उनसे छीन लिया जाएगा, क्या वो भी अपना मंत्रालय गंवा देगी, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। बहरहाल, आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 News।